हेलो दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में भी मैं आज आपको पांच बहुत ही शानदार वाले दोहे पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग दोहे हैं, पढ़ने में दोहे बहुत ही मज़ा आता है। कबीरदास जी के दोहे तो बहुत ही शानदार होते हैं। यहाँ पर मैं आज आपको पहला दोहा जो बताने वाला हूँ वो है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। बहुत ही शानदार सा दोहा है, आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। इसका अर्थ यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक। इसके बाद मैं चार दोहे और करवाने वाला हूँ जो कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, उनको भी आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो दोहा जो हमारा ये है, तो इसका अर्थ क्या निकलता है? अर्थ निकलता है कि हमेशा ऐसी वाणी और भाषा का प्रयोग करिए जिससे क्या हो, आपका अहम ना बोले। मतलब जो आप बोलें जिस भाषा और बोली में, तो उससे क्या है, आपका अहम ना बोले, आपका अहंकार ना बोले, और क्या है कि आप खुद भी सुकून से रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे आपसे। यहाँ पे कबीरदास जी सिंपल कहना चाहते हैं, सिंपल भाषा में, कि जो भाषा और बोली का प्रयोग कर रहे हैं उससे में मतलब प्यार होना चाहिए सबके प्रति, जिससे क्या है, आप भी खुश रहेंगे और जो मतलब जिससे आप बोलेंगे चालेंगे वो भी खुश रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए, ठीक। तो यह हमारा पहला दोहा था। दूसरा दोहा देखें तो दूसरा है कि धीरे धीरे रे मन धीरे सब कुछ होए। क्या कह रहे हैं कि धीरे धीरे रे मन धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। बहुत ही शानदार सा दोहा है। इसका अर्थ निकलता है कि दुनिया में सारी चीज़ें अपनी रफ्तार से बढ़ती और घटती हैं। क्या है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पेड़ पौधे ले लें, उम्र ले लें, लंबाई ले लो, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो क्या है कि दुनिया में जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है, एक लिमिट से बढ़ती हैं, अपनी रफ्तार से बढ़ती हैं और अपनी रफ्तार से घटती हैं, ठीक। अगर हम हड़बड़ी करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, मतलब हड़बड़ाहट से भी कुछ नहीं होने वाला है। अब एग्ज़ाम्पल देखें तो जैसे माली है, तो माली क्या करता है, पूरे साल पौधे को सींचता है, लेकिन फल क्या है, समय आने पर ही उसको मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि दुनिया में सारी चीज़ें अपनी रफ्तार से बढ़ती घटती हैं, हड़बड़ाहट से कुछ भी नहीं होगा। जिस तरीके से माली साल भर तक पौधे को सींचता है, लेकिन फल क्या है, समय आने पर ही उसको मिलता है, ठीक। तो ये हमारा दूसरा दोहा हुआ। अब तीसरे दोहे की ओर, तीसरा दोहा कह रहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीरदास जी ईश्वर से सिर्फ इतनी ही चाहत रखते हैं, मतलब इतना ही मांगते हैं सिर्फ, जिसमें क्या है कि उनका पूरे परिवार का खर्च चल सके। क्या है कि साईं इतनी दीजिए जामे कुटुंब समाए, सिर्फ इतना ही दे दीजिए जिससे हमारे पूरे परिवार का खर्च भी चल सके और मैं भी भूखा ना रहूं, मतलब मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। अगर कोई गेट पे साधु आया है तो उसको भी थोड़ा बहुत दे दूं, ठीक, कि साधु भी भूखा ना रहे और मैं भी भूखा ना रहूं और परिवार का भी खर्च चलता रहे। तो इस दोहे का अर्थ यही है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बहुत ही शानदार सा दोहा। अगला दोहा, जैसे तिल में तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है तू जाग सके तो जाग। ये भी दोहा हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार सा है। इसका अर्थ निकलता है कि जिस तरह तिल में तेल होने और चकमक में आग होने के बाद दिखलाई नहीं पड़ता, ठीक उसी तरह ईश्वर को खुद के भीतर खोजने की जरूरत नहीं है, बाहर खोजने पर सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। अब हम अगला दोहा देखें। पाँचवा दोहा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मैं और दोहों की वीडियोस भी अपलोड करने वाला हूं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अभी के अभी। पांचवा दोहा हमारा यहां पर है कि माया मरी ना मन मरा मरमर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। बहुत ही शानदार सा दोहा है, आपको याद भी होना चाहिए और पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ कि माया मरीना मन मरा मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे कह गए दास कबीर। मतलब इच्छाएं कभी भी नहीं मरती हैं, दिल कभी भी नहीं भरता है, ना ही इच्छाएं मरती हैं ना ही दिल भरता, क्या है सिर्फ और सिर्फ शरीर का अंत हो जाता। उम्मीद और किसी चीज़ की चाहत हमेशा जीवित रहती है। तो यही कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं, इच्छाएं कभी नहीं मरती, दिल कभी नहीं भरता, सिर्फ और सिर्फ शरीर मर जाता है, उम्मीद किसी की चाहत हमेशा जीवित रहती है। ठीक, तो ये हमारे 5 दोहे थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, आप सभी को याद भी होने चाहिए। बाकी गाइस बता दूं, अगली वीडियो जल्दी आने वाली है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें अभी के अभी, उसमें भी मैं आपको 5 दोहे बताऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।